नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी सलमान खान की, जिसमें गाना था बेबी को बेस पसंद। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से इसे जोड़े तो कहा जा सकता है कि योगी और टीपू यानी अखिलेश को छोटी पार्टियां पसंद। आखिर योगी और टीपू को छोटी पार्टियां क्यों पसंद है? छोटी पार्टियों के साथ आने से एक बड़ी पार्टी को क्या फायदा होता है, या छोटी पार्टियों के साथ आने से एक बड़ी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। अगले 7-8 मिनट आप मेरे साथ रहिएगा, बहुत ज्ञान की बातें मैं आपको बताने वाला हूं। कुल मिलाकर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों का गढ़ है, छोटी पार्टियों की प्रयोगशाला है। यहाँ कोई भी बड़ी पार्टी पूर्वांचल की ज्यादा सीटों पर तब तक कब्जा नहीं कर सकती जब तक कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं कर ली। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव से और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम इस सच्चाई तक पहुंचे। एक बात। दूसरी बात है कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूर्वांचल में 156 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 156 में से 106 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को 18 सीटें मिली थी। मायावती के हिस्से में 12 सीटें आई थी। कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटें आई थी। अपना दल जो एक छोटी पार्टी है वो कांग्रेस से दुगनी सीटें जीती थी, 8 सीटें अकेले यहाँ पूर्वांचल से। इसके अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी 4 सीटें जीती थी कांग्रेस के बराबर। तो ये इसलिए महत्व बढ़ जाता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो 29 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 22 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 6 सीटें समाजवादी पार्टी और मायावती ने मिलकर जीती थी। पिछली बार आप जानते हैं दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आई थी। इस लिहाज से पूर्वांचल जीतना और छोटी पार्टियों के सहयोग से जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। बीजेपी की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं हम अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उसके साथ समझौता किया है। राजभर पिछली बार बीजेपी के साथ थे, उनका स्ट्राइक रेट 50% रहा था, 8 सीटें उन्हें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, 4 जीती थी। वो योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन गठबंधन से वो अलग हो गए थे, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। तो 156 में से 146 OBC सीटें, और इन 146 सीटों में 8 से लेकर 9% मुसलमान। तो आप देखिए, मुस्लिम वोट अखिलेश के साथ रहता है, OBC वोट मिलता है। राजभर का दावा है कि इन 156 सीटों में से 45-46 सीटें हैं जो बिना राजभर की वोटों के तो जीती ही नहीं जा सकती। 17 से लेकर 18% राजभरों का वोट है, ये वो दावा करते रहे हैं। और इसके हम बता दें आपको कि गाजीपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, चंदौली, अम्बेडकर नगर, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का असर है। इसके अलावा महान दल के साथ भी अखिलेश यादव ने समझौता किया है। 2008 में इसका गठन हुआ था, केशव देव मौर्य ने बनाया था। 100 सीटों पर ये जीत का दावा करते हैं। इनके साथ मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी जैसी जातियां आती हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, महान दल ने 2 सीटें मिली थी लेकिन दोनों सीटों पर हार गए थे। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट है, ये संजय चौहान की है, इसमें नौनी, चौहान और बेलदार आते हैं। इनके साथ भी अखिलेश यादव ने समझौता किया है। 2019 में चंदौली से संजय चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते थे और सिर्फ 14,000 वोटों से हारे थे। पीस पार्टी से भी समझौते की बात चल रही है जिसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है। RLD से पश्चिमी UP में बात चल रही है, और RLD यानी राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी, पिछली बार जितनी छोटी पार्टियां थी उनमें से सबसे ज़्यादा वोट RLD को ही मिला था, करीब 15-16 लाख वोट मिला था, 7-8% वोट मिला था। तो ये एक उस इलाके के हिसाब से एक बड़ी कामयाबी थी। अब बात करते हैं हम बीजेपी की। अब बीजेपी ने एक समझौता किया है अपना दल के साथ, जिनका कहना है कि उनका 130 सीटों पर आसपास असर है। सोहनलाल पटेल ने यह पार्टी बनाई थी उनकी मौत के बाद, अनुप्रिया पटेल उनकी पत्नी ने ये पार्टी संभाली, फिर बेटी अनुप्रिया पटेल और भाई दोनों अलग हो गए। अब अनुप्रिया पटेल वाला जो गुट है वो ज़्यादा हावी है। पिछली बार 9-11 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का,
और स्ट्राइक रेट देखिए, स्ट्राइक रेट 9 सीटें जीती थी कांग्रेस से दुगनी से ज्यादा, कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 4 सीटें मिली थी। तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप कि इस पार्टी की ताकत कितनी है, पूर्वांचल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 8 लाख से ज्यादा वोट मिला था इनको, 6% के आसपास वोट ये इनका दावा था कि इनके हिस्से में आया है। तो अभी अनुप्रिया पटेल जो पहले नाराज चल रही थी, उनको बीजेपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई है। इससे भी पता लगता है कि कितना महत्व है बीजेपी की नज़र में अपना दल जैसी पार्टी का। क्यों है इस पर बताऊंगा। निषाद पार्टी संजय निषाद ने 2016 में बनाई, NISHAD इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एन से मतलब निर्बल, आई से मतलब इंडियन, एस से मतलब शोषित, एच से मतलब हमारा, ए से मतलब आम, डी से मतलब दल। ये तो निषाद पार्टी का पूरा फुल फॉर्म हुआ, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। इनका दावा है कि 70 सीटों पर असर है, 22 उपजातियां हैं, गंगा नदी, गंडक नदी, नदी यमुना नदी इनके किनारे ये बसे हुए हैं। इनमें केवट आते हैं, निषाद आते हैं, मल्लाह आते हैं, कश्यप आते हैं, माझी आते हैं, गोंड आते हैं, बिंद आते हैं, भदोही है, जौनपुर है, वाराणसी, बलिया, देवरिया, बस्ती, यहाँ पर इनका असर है इन ज़िलों में, ऐसा दावा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि छोटी पार्टियों का इतना महत्व क्यों है। कुल मिलाकर 2017 के विधानसभा चुनाव में 289 छोटी पार्टियां चुनाव लड़ी थी, लेकिन मैंने कुछ ही पार्टियों का जिक्र किया। माना जाता है कि 6, 7, 8, 10, 12 पार्टियां हैं जो थोड़ा बहुत असर रखती हैं, और कुछ लोग कहते हैं 20 पार्टियां हैं असर रखती हैं, लेकिन कुल मिलाकर इन छोटी पार्टियों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यूपी में 4 पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, अलग अलग लड़ती हैं, यानी बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तो हार जीत का अंतर बहुत सारी सीटों पे 5 से लेकर 8 से लेकर 10,000 वोटों के आसपास रहता है। तो ऐसे में छोटी पार्टियां क्या करती हैं कि बड़ी पार्टी के साथ आती हैं तो उसका सारा वोट ट्रांसफर हो जाता है बड़ी पार्टी को, तो वोटों की संख्या बढ़ जाती है छोटी पार्टियों के, इसलिए सीट निकालने की क्षमता भी बढ़ जाती है क्योंकि उसको बड़ी पार्टी का जो मूल वोट है, बेस वोट है, वो भी मिल जाता है। तो बड़ी पार्टी का मूल बेस, बेस वोट और प्लस छोटी पार्टी का वोट, तो ये मिलाकर इतना हो जाता है कि आप सीट आसानी से निकाल सकें। दूसरी बात है कि जैसे अपना दल की बात करें, 11 में से 9 सीटें निकाली, तो 9 सीटें खुद निकाली तो 9 सीटें बीजेपी को भी जिताई होंगी, और 18 सीटें समाजवादी पार्टी या फिर मायावती या कांग्रेस की हरवा भी दी होंगी। यानी ये डबल क्षमता है छोटी पार्टी में, जिस पार्टी के साथ समझौता होता है बड़ी पार्टी के साथ उसको जिताने की क्षमता रखते हैं, तो जिस पार्टी के साथ समझौता नहीं होता बड़ी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी उस विधानसभा क्षेत्र में होती है, उसको हराने की भी क्षमता रखते हैं। वोट जिताऊ पार्टी भी है और वोट कटाऊ पार्टी, वोट कटवा पार्टी भी है ये छोटी पार्टियां, इसलिए इनका महत्व और बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों मिलकर छोटी पार्टियों पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, और ऐसी छोटी पार्टियां जो 4 या 5 बड़ी छोटी पार्टियों में से भी ठीक ठाक पार्टियां हैं, उनमें से अभी निषाद पार्टी और अपना दल बीजेपी के साथ है, और महान दल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये अभी समाजवादी पार्टी के साथ है। तो मुकाबला इस लिहाज से भी दिलचस्प। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।